लेके आया हूँ जामिया में एडमिशन बिना टेस्ट का। जामिया में एडमिशन बिना टेस्ट के फॉर्म्स निकल गए हैं और आप आज से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बिना टेस्ट का एडमिशन होगा, यानी ये जो कोर्सेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का, ये डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज है और इन सारे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा और एडमिशन कराने के बाद आपका कॉलेज में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस साल ऑनलाइन ही आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल कॉन्टेक्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं स्टडी सेंटर पे, चाहे आप जाके कर सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते हैं। यानी इसमें क्लास करना मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। चाहे तो आप क्लास वीकेंड्स पे कर सकते हैं, वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे, या सिर्फ संडे क्लास कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपका मर्जी नहीं है, या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस में व्यस्त हैं या कहीं कोचिंग कर रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लास नहीं भी कर सकते हैं। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे तो क्लास कर सकते हैं चाहे तो क्लास नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज है 4 तारीख और 4 तारीख को ही ये नोटिस आया है। यहां पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये 4/9/2020 का नोटिस है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी इंटीग्रेटेड ODL ऑनलाइन मोड फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई होगा। इसमें अभी कुछ लोचा है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे जाके आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लिक कर देता हूं। क्लिक करके इस पे चले जाते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आप रेगुलर क्लास के लिए अप्लाई करते हैं, आपको शुरू में न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपका ईमेल आईडी की जरूरत होता है और फोन नंबर की जरूरत होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप ब्राउजर डिटेल्स है, यहां पे क्लिक हियर। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल, ये एक पीडीएफ खुल जाएगा जो 5 पेज का पीडीएफ है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो है वो 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, और 5 सितंबर को आपके दोस्त आपके भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन 2019 में निकला था लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं करवाया गया है। जेईई नीट का एग्जाम करवाया जा रहा है, जहां से स्टूडेंट के जेब से पैसे आ सकता है वहां एग्जाम करवाया जा रहा है, जहां पे स्टूडेंट के जेब में पैसा डालना है सरकार को वो एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है। जैसे आपने देखा कफील साहब को अभी जेल में डाली गई थी, एक स्पीच एएमयू में दे रहे थे उसकी वजह से, बाद में कोर्ट ने फटकारा लगाया कि गलत आरोप से आपने उसको अरेस्ट किया था। उसी तरह सफूरा जरगर की आपने बात सुनी है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो कि अरेस्ट होते हैं। तो आपको रोड पर नहीं उतरना है, आप अपने हक की बात, क्योंकि कोई भी कोर्स करते हैं अगर कोर्स करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है तो सर्टिफिकेट का अचार डालेंगे। आजकल पीएम साहब बोलते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार होता है, तो ये सर्टिफिकेट लेके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर पीएचडी एमफिल लेके पकौड़े तलेंगे, या देसी कुत्ते के आजकल मन की बात में कर रहे हैं कि देसी कुत्ते को आप पालिए, तो आप ये सब डिग्री लेके देसी कुत्ते पालेंगे पकौड़े तलेंगे। तो अगर आप पकौड़ा नहीं तलना चाहते, कुत्ते नहीं पालना चाहते, डिग्री लेके डिग्रीधारियों की बात है, तो कल 5 सितंबर को 11 बजे एसएससी रेलवे का एक मुहिम चला है, उस मुहिम में पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ उस मुहिम का नहीं है, बहुत सारे स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो वैकेंसी निकालते हैं और इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वैकेंसी भूल जाते हैं, एग्जाम भी नहीं करवाते हैं। और जहां जेईई नीट की बात है तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज से ना बहुत ज्यादा फंड्स आता है, 4-4 लाख 3-3 लाख 2-2 लाख फीस है बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का, जैसे गलगोटिया हो गया, एमिटी हो गया, एसआरएम हो गया, बहुत सारे ऐसे बिट्स पिलानी हो गया, बहुत टाइप्स के हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूं। इनमें मासेज ऑफ पैसे आते हैं, तो इस पैसे के लेके सरकार को चिंता है, लेकिन आपके जेब में जो पैसे आएंगे 20,000-30,000 लोको पायलट वाले कमाते हैं उनके बारे में चिंता नहीं। तो उनके बारे में कल जरूर 5 सितंबर को 11 बजे आप लोग तैयार रहेगा ट्विटर पर, जिसको ट्विटर नहीं आता जरूर सीख ले, क्योंकि आपके हक की बात है, हक के साथ खड़ा होना चाहिए। कमजोर तबका लोगों को हमेशा गलत आरोप में आपको रखा, मतलब लगा के धारा आपको जेल भेज दिया जाता है, तो इसमें आपको रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पे आपको सिर्फ हैशटैग चलाने, हैशटैग चला के आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से, ये पॉलिटिक्स की मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो हर किसी के अंदर घुसा हुआ है। आजकल दंगे में 20 साल के 18 साल के बच्चे मारे जाते हैं और वो लोग देखो कैसे कैसे गलत न्यूज फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का सबसे ज्यादा, तो इसके मसले में अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप चुपचाप रहिए। आपको जामिया अलीगढ़ का भी आतंकवाद कहा जाता है, तो आप चुपचाप चुप रह के सुनिए और आप आतंकवादी का सर्टिफिकेट लीजिए। और आप, क्योंकि आपको जो मीडिया में बात चलाई जाती है वो फेमस हो जाती है, लोग यही समझते हैं कि, अभी एक कमेंट आया था क्या जामिया में हिंदू लड़का सेफ है, आप देखिए मेरे कमेंट में, मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्या हिंदू लड़का जामिया में अलीगढ़ में सेफ है, स्टूडेंट हिंदू स्टूडेंट पूछ रहे। तो क्या ये दिन आ गया है जहां हम लोग नौकरी और एडमिशन को छोड़ के फालतू की बातों में मुबतला है, व्यस्त है। तो इस व्यस्त को ना आपको सीख दिलानी है। सीख कैसे दिला सकते हैं, ट्विटर पर आइएगा, पहले ये कोर्स देख लेते हैं। ये ODL ऑनलाइन मोड में है, यानी इस बार जामिया कुछ अलग करना चाहती है। हो सकता है आपको स्टडी सेंटर पे जाना ना पड़े, ऑनलाइन एडमिशन हो जाए और ऑनलाइन ही पढ़ाई हो, ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, देखिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ऑनलाइन मोड में है ये, कुछ कोर्सेज के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। बाकी का लोचा जो मैं बताया, लोचा ये है कि ग्रेजुएशन का कोई कोर्स अभी इसमें नहीं दिया है। ग्रेजुएशन जैसे बीबीए हुआ करता था, एमबीए, बीएड, अभी डिस्टेंस मोड में बहुत सारे कोर्सेज है, उसका ये ऑप्शन अभी नहीं है। क्या क्या कोर्सेज है वो देख लेते हैं।
बैचलर अगर आपने किया तो एक साल का कोर्स है, 16,000 फीस है, 15,500 कोर्स का है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 12वीं के बाद अगर आप है, 12वीं किए हुए तो डिप्लोमा कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। इसको करने के बाद आप स्कूल में टीचिंग में पढ़ा सकते हैं। इसका 6,500 ही है दोनों फीस मिला के, यानी ट्यूशन फी प्लस रजिस्ट्रेशन फी। तीन कोर्स ये है जिसमें एक डिप्लोमा है, दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इसके बाद जो कोर्स है वो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि 10वीं के बाद है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। एक साल का कोर्स है, 8,000 प्रोग्राम फी है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन टोटल मिला के। इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग है, देखिए 8,500 होगा, ठीक है, या तो ये 600 होगा या तो 8,000, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, जहां 8,000 है वो 600 हो गया है, देखिए 6 हो गया, जिसमें 6 है वो 8,000। ये जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वहां पे ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाद में मैं कमेंट करके इसको सही से मैं आपको बता दूंगा। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पिछले जो प्रोस्पेक्टस में दे रखा था वही सही माना जाएगा, क्योंकि पिछले जो जनवरी में सेशन शुरू हुआ था उसमें मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CIT है, आप 10वीं के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है, 6,000 रुपया इसमें कोर्स का फीस है, टोटल 6,500 हुआ, इसमें 8,500 होगा। अब जो CDOL है ऑफर ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन होने वाले 5 सितंबर से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे और चलेंगे ये 31 अक्टूबर तक, यानी पूरा सितंबर आपके पास है, पूरा अक्टूबर आपके पास होगा इसमें एडमिशन के लिए। हो सकता है आगे इसमें जो ग्रेजुएशन का नहीं ऐड हुए हैं वो ग्रेजुएशन का भी ऐड हो। ये देखिए हर जगह का स्टडी सेंटर है, जैसे बिहार में, हरियाणा में, इसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्टडी सेंटर है, कुछ कुछ जिलों में, दिल्ली NCR में है, और इसके अलावा मैं ऊपर दिखा देता हूं, ऊपर जो है राजस्थान में स्टडी सेंटर है, पंजाब में है, केरल में है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे दिल्ली NCR का है, वही ये ऊपर भी थोड़ा सा कट के आया, थोड़ा सा इनका पेज है ना अनबैलेंस हो गया है। तो दिल्ली NCR में आपका फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव भी आ जाता है, सोनीपत भी आता है, बागपत भी आता है, तो दिल्ली NCR में भी है स्टडी सेंटर। मैं इस PDF का लिंक दे दूंगा, आपके घर के आसपास जो स्टडी सेंटर है वहां चूज कर सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन मोड में है तो आपको स्टडी सेंटर पे मेरे ख्याल से बहुत कम ही जाने की जरूरत पड़ेगी, असाइनमेंट भी हो सकता है कि ऑनलाइन अपलोड हो जाए। लेकिन इसमें लोचा क्या है, ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री जो MA कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जैसे BBA हो गया, BF हो गया और BCOM हो गया, ये कोर्सेज इसमें नहीं है। हो सकता है बाद में ऐड किया जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, हो सकता है ऑफलाइन मोड में कुछ और कोर्स ऐड किया जाए। अभी तो टाइम है ना 31 अक्टूबर तक, तो इसमें देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग एक ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को 11 बजे ट्विटर पर आइए, स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए। आप भी कल को पास आउट होंगे, आपके पास भी नौकरी नहीं होगा तो आपके पीछे कोई नहीं होगा। आप हमेशा देखिए दूसरे को घर जल रहे हैं ना, तो उसको बुझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कल घर आपका भी हो सकता है। तो ये जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है JP आंदोलन से लेकर अभी तक जो भी मुद्दे उठाती रही है, देश हित के बारे में मुद्दा उठाती है, और स्टूडेंट जो युवा है 45% अपने देश के, वो युवा 45% आजकल 10 करोड़ के आसपास बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, और घर पे बैठ के हमेशा हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के न्यूज शेयर करते रहते हैं। उससे अच्छा अगर ये कहीं काम करेंगे, इनको रोजगार मिलेगा, तो देश का जो GDP -23% आ गया है, देश का GDP भी बढ़ेगा, देश का इनकम भी बढ़ेगा, देश में नए नए चीज आएंगे, जो युवा व्यस्त नहीं है वो व्यस्त हो जाएंगे, तो देश का प्रोग्रेस होगा। तो दोस्तों मुहिम में हमेशा स्टूडेंट के साथ दीजिए, आपको दिन भर दिन हर डे को नहीं करना है, सिर्फ एक दिन का होगा महीने में, उस दिन को आप स्टूडेंट के हित में आप जरूर निकल के आइए, आप जरूर कुछ घंटे टाइम दीजिए। ऐसे आप फिल्म देखते हैं दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, टिकटॉक देखते थे पहले, आप PUBG खेलते थे, अभी यूट्यूब पे आज सुशांत रिया के न्यूज देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप स्टूडेंट के हित में आए, और हित में आके 5 सितंबर को 11 बजे, सिर्फ एक दिन की बात है, एक घंटे की बात है, उसके बाद हम फिर अगले महीने में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। जब तक स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी, नेताओं की बात भी नहीं सुनी जाएगी, नेता को बात को भी नहीं सुनना है। अगर आपकी बात नेता लोग नहीं सुनते हैं, वोट देने के बाद आपके पांव धुलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जीतने के बाद आपको लाठी से पुलिस से पिटवाते हैं, तो ऐसी नहीं चलेगी। आप लोग जागरूक हो जाइए, नहीं जागरूक हो जाइएगा तो बात है ना, अभिनव बिंद्रा के कहते हैं कि चिड़िया खेत चुग के उड़ गई तो पछताने से क्या फायदा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो चुग के निकल गई है दूसरी बार भी चुग सकती है, तीसरी बार भी, और जिंदगी भर चुग चुग के आपका खेत बर्बाद कर सकती है। तो खेत आपका बर्बाद हो रहा है तो अभी से होशियार हो जाइए, जो एक बार लूट चुका है दोबारा लूट रहा है, तिबारा ना लूटे, उसके लिए आप जागरूक हो जाइए, और जरूर स्टूडेंट के हित में जो भी बात हो ना जरूर उसके साथ दीजिए, चाहे आप SSC रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मिलते हैं इस जोश के साथ, मुझे उम्मीद है आप जरूर साथ देंगे और हमेशा डटे रहेंगे, और इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त और यारों को, और हो सकता है इसमें और भी कोर्स लॉन्च हो, और भी कोर्स ऐड हो, तो जरूर इस कोर्स में मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ बताऊंगा। जैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने की जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और जैसे आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह आप इसका भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पे डाल दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, डिटो वही करना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।